अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत मज़े की बनती है और इसे आप सर्व कर सकते हैं डायरेक्ट रोटी के साथ भी, जो बहुत मज़े की लगती है। तो हमने इसे इस तरह से सर्व किया है। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार चटनी। ये चटनी बनाने के लिए हमें कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम एक टीस्पून ऐड करेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद एक टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे उड़द की दाल। उड़द की दाल को कुछ सेकंड के लिए हम सौते कर लेंगे, बस एक दो सेकंड के लिए सौते करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 7 हरी मिर्च ले ली है जिसे कट कर लिया है, वो हरी मिर्च हम डाल देंगे इसमें। साथ में ऐड करेंगे आधी छोटी प्याज कटी हुई, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट लिया है, वो टमाटर हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भुनना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। देखिए हल्के हल्के प्याज और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून शक्कर, 8 से 10 इमली के टुकड़े। मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड कर देंगे 1 कप भरकर हरा धनिया, हरा धनिया को भी मिक्स कर लेंगे। और यह देखिए हरा धनिया भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाए मसाला, तब हम ये मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 लहसुन की कलियाँ और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे पीस लेंगे। और ये देखिए चटनी को हमने पीस लिया है और ये हमारी मज़ेदार चटनी बनकर तैयार है, जो बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इस चटनी को ज़रूर बनाएं। इसे हम लगा लेंगे रोटी पर इस तरह से, और ये सिर्फ रोटी के ऊपर ही लगाकर आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। साथ ही साथ अगर कोई भी आपको रेसिपी का स्वाद बढ़ाना हो, ये चटनी को आप ज़रूर ऐड करें। और ये खट्टी तीखी चटनी बहुत मज़े की बनती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। और ये ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।